देश के कई राज्यों में कोरोना बेकाबू हो गया है। हालांकि दिल्ली में अभी स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन जिस तेजी से संक्रमण फैल रहा है वो चिंताजनक है। लगातार दो दिनों तक 3500 के ऊपर मामले आने के बाद रविवार को 4000 से ज्यादा मामले सामने आए। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 4033 नए कोविड मामले आए हैं, जबकि 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में 2677 रिकवरी दर्ज की गई। दिल्ली में 61 दिन बाद पहली बार 11 मार्च को 400 से अधिक कोरोना के नए मरीज की पुष्टि हुई थी और अब ये रोजाना 3500 के पास पहुंच गया है। इन 23 से 24 दिनों में दिल्ली में कोरोना में 9 गुना अधिक नए मरीज की संख्या रोजाना हो गई। बहुत तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है। एक्टिव केस 12000 से ऊपर पहुंच गए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि दिल्ली में संक्रमण नए वेरिएंट की वजह से नहीं बल्कि लोगों की लापरवाही से फैल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की माने तो रविवार को 2677 रोगियों को छुट्टी दी गई। दिल्ली में संक्रमितों की कुल संख्या अब 6,76,414 हो गई। इनमें से 6,51,351 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कुल 11,081 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से मृत्यु दर 1.64% है और कुल संक्रमण दर 4.54% है। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 13,982 हो गई। इनमें से 2727 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। कोविड केयर केंद्रों में 78 और होम आइसोलेशन में 7,144 रोगियों का इलाज किया जा रहा है। विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 86,899 लोगों की जांच की गई। आरटीपीसीआर तरीके से 54,472 और रैपिड एंटीजन प्रणाली से 32,427 टेस्ट हुए। अब तक 1,49,77,000 सैंपल की जांच हो चुकी है। कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 2,917 हो गई। एक दिन में 250 से ज्यादा रेड जोन बनाए गए। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के आदेश के बाद स्वास्थ्य कर्मियों के लिए कोरोना के टीके लगवाने के लिए नए पंजीकरण की सुविधा भी बंद कर दी गई है। इससे अभी तक वैक्सीन नहीं लगवा सके स्वास्थ्य कर्मी परेशान हैं। दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल के जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर उत्सव की माने तो हाल ही में अस्पताल में काम शुरू किया गया है, इस वजह से वैक्सीन लगवाने के लिए पंजीकरण नहीं करा सके। शनिवार को रजिस्ट्रेशन के लिए गए लेकिन नहीं हो सका। इस मामले में उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को ट्वीट करके अपनी समस्या को साझा किया। उन्होंने कहा कि वो 1992 में जन्मे हैं, लेकिन कोविड पोर्टल पर सिर्फ 45 से अधिक उम्र वालों का ही पंजीकरण हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली।